मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। मैं आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। और थंबनेल और हेडिंग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैं जो लास्ट एक व्लॉग था उसमें आप लोग को बताया था कि मैं एक जगह आप लोग को ले कर जाने वाला हूँ, पर वो बंद था, तो वो जगह आज जाने वाले हैं हम लोग। तो अभी समय हो रहा है कुछ 12:05 दोपहर का, और हम लोग जाने वाले हैं शाम को। प्लान हमारा अब भी बना है, अब देखते हैं आज वो ओपन है या नहीं है। मैंने फ़ोन करके पूछा तो है, वो ओपन है। चलिए अब शाम को जाएंगे वहाँ पे, तब जाके आप लोग को डायरेक्ट दिखाएंगे। अभी काफ़ी काम है, और तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं शाम को आपसे वहीं पे। तो चलिए अब जाने का वक्त हो चला है हमारा। हम लोग जा रहे हैं आज मिनी बारबेक्यू नेशन, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर भिलाई शहर में लोकेटेड है। मिनी बारबेक्यू नेशन के नाम से किस लिए जाना जाता है, हम लोग आपको वहां जाके बताएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पे। चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो एक सेकंड में आप लोग को दिखाता हूं। और ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन होटल आशीष इंटरनेशनल। एक्चुअली हम लोग को जहां जाना है ये इसके जस्ट पीछे है। तो आप लोग अगर मैप में इस नाम से अगर सर्च करेंगे ना तो आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। जो अभी अभी खुला है, जो मिनी बारबेक्यू नेशन के नाम से, वो इस होटल के जस्ट पीछे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और ये जो होटल है आशीष इंटरनेशनल होटल, ये यहाँ का काफ़ी पुराना होटल है, काफ़ी जाना माना होटल है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स खुले, बट इसकी जो क्वालिटी, जो क्रेज़ पहले थी, वो क्रेज़ इसकी आज भी है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जल्दी से चलते हैं अंदर, और आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग कहाँ हैं और किस चीज़ के लिए आए हैं। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देख लीजिए, ये होटल आशीष इंटरनेशनल का रिसेप्शन है और ये एंट्रेंस है। अगर आपको यहाँ के डाइनिंग का मज़ा लेना है तो आप यहाँ के इनके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली बोल सकते हैं, काफ़ी पुराना भी है, बट टेस्ट भी अच्छा है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ का आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई देख लीजिए आप, ऊपर लिखा है होटल आशीष इंटरनेशनल और नीचे लिखा है द कोल फैक्ट्री रेस्टोरेंट, जो कि अभी नया नया खुला है और इसके जस्ट बिसाइड में है, पीछे है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ये बंद था और आज चालू है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है, कैसा है, यहाँ की प्राइसिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, क्या क्या वेराइटीज़ है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये देख लीजिए कितना प्यारा सा लिखा हुआ है कोल फैक्ट्री। हवा वगैरह अच्छा चल रहा है, लगता है बारिश गिरने वाली है। हालांकि मानसून अराइव हो चुका है केरल में भी और यहाँ भी, और अभी तो तूफान का माहौल है गुजरात साइड में। आज वो लैंडफॉल होने वाला है वहाँ पे। तो खैर चलिए, आप इसका एम्बियंस देख लीजिए कितना प्यारा है इसका एम्बियंस। यहाँ पर एक आपको मिनी स्विमिंग पूल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप लोग को यहाँ पर स्टे करना है होटल आशीष इंटरनेशनल में, तो आप लोग यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये यहाँ का गार्डन एरिया है, ये देख लीजिए, ये यहाँ का एरिया है कोल फैक्ट्री। आप लोग देख सकते हैं हम लोग होटल से कितना पीछे आए हैं। अगर जो ये सर्च करते हैं अपने मैप पे, जो लोग बाहर से आते हैं उनको अगर नहीं मिलता, तो क्लियरली होटल आशीष इंटरनेशनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, उनको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे किचन एरिया है। चलिए चलते हैं अपने सीट पे, देखते हैं क्या है। चलिए देख लीजिए भाई, आते ही साथ हमको हमारा वेलकम ड्रिंक सर्व कर दिया गया है। और इसमें देख लीजिए पुदीना और लेमन का एक फ्लेवर है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब वेलकम ड्रिंक के बाद हमने हमारा जो अनलिमिटेड बुफे है वो ऑर्डर कर दिया है। और माहौल देख सकते हैं आप, खाली है, एक्चुअली वीकडेज है ना इसलिए। चलिए देखते हैं, अब आता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ,
ये इनका जो है ड्रिंक मेनू है, यहाँ पे लिकर भी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, मैं वीडियो को स्लो करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ के जो फूड मेनू है ना, उसके लिए आपको स्कैन करना पड़ता है, और जो लिकर है उसके लिए आपको हार्ड कॉपी दिया रहता है ऐसे मेनू में। और ये देख लीजिए, आ चुका है हमारा स्टार्टर, चिकन चिल्ली और चिकन लॉलीपॉप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके तंदूर लगने वाले हैं। यहाँ पर अब यहाँ इनके तंदूर लग रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे कोल है। एक्चुअली ये बेक तो अंदर होता है, बट यहाँ पे इसको जस्ट स्टिक में लगा के हल्का हल्का गर्म रखने के लिए इसको रखते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं चिकन को इन्होंने कितने अच्छे से स्टफ़ किया हुआ है। ये हो गया चिकन लहसुनी, ये हो गया चिकन शेख कबाब, ये हो गया चिकन लहसुनी एक और ये है चिकन पहाड़ी टिक्का। और प्लेट्स में भी आप लोग को दिखा दूँ, सामने सर्व हो चुका है ये चिकन चिल्ली, ये चिकन लॉलीपॉप, ये है वेज क्रिस्पी, ये है क्रिस्पी कॉर्न, और ये हो गया हमारा हरा भरा कबाब। और इसके साथ में इन्होंने हमको डिप्स भी दिया गया है दो ठोक। चलिए खा के देखते हैं कैसे, और आप लोग को भी बताते हैं जल्दी से। चलिए पहले मैं ये पोटैटो क्रिस्पी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चिकन चिल्ली भी ठीक है, लॉलीपॉप टेस्ट कर लेता है। सभी अच्छा है। चलिए मैंने अभी सब टेस्ट किया है। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा है ना, वो है मेरा चिकन लॉलीपॉप, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चिकन चिल्ली भी ऑन एंड एवरेज है, और बाकी कोई वेज मेरे को वैसे भी पसंद नहीं, मतलब टेस्ट टेस्ट भी ठीक है। तो चलिए टेस्ट करना है, देखते हैं आगे और कैसे आना है आप सबको। आप लोग बता नहीं सकता है, बैठे हुए 15-20 मिनट हुआ नहीं है, और कितनी सारी आइटम आ चुकी है आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बेटे में आइटम जा रहा हूँ। अभी मैं आप लोग दिखाता हूँ कितनी सारी आइटम आ चुकी है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे पापड़ी चाट आ चुका है, ये पनीर टिक्का आ चुका है, और ये पाइनएप्पल तंदूर पाइनएप्पल ये आ चुका है, और ये गार्लिक ब्रेड आ चुका है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके सबका टेस्ट आप लोग को बताते हैं फटाक से। और ये देख लीजिए, एक के बाद एक आइटम्स आए पड़े हैं। ये देख लीजिए, ये पनीर टिक्का है, और ये हो गया तंदूर पाइनएप्पल, और ये हो गया मशरूम। मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग को बैठे हुए 10-15 मिनट ही हुए हैं, और लगभग 8 से 10 वैरायटीज़ के स्टार्टर आ चुके हैं अभी तक। अभी आगे और कितने आने बाकी हैं वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा जैसे जैसे आएगा। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आप लोगों को, ये जो तंदूर है आप इसके नीचे देख सकते हैं, जो कोल है, मतलब रियल कोल फैक्ट्री के नाम से जो रेस्टोरेंट है, पूरा उसका टच देने की इन्होंने पूरा कोशिश किया है। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा यहाँ का। चलो देख लीजिए, अभी फिश भी आ चुका है, किसी की कमी भी अभी आ चुका है, तो ये भी टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को। वाकई मिलाजार बहुत बढ़िया, हमें टेस्ट करने जा रहे चिकन पहाड़ी टिक्का, देखते हैं कैसा है। भाई सही मिलाद है यार, किसी नाम का मैंने बात भी किया है, बट मैं तो टेस्ट है ना वो बहुत मजा है, बहुत अच्छा। तो चलिए फाइनली हम लोग ने अपना स्टार्टर फिनिश कर लिया है। मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ हम लोग कितने सारे आइटम्स खाए स्टार्टर में, और जितना भी हो सकता था मैं सब आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया, सब चीज़ का रिव्यू देने की कोशिश किया,
ओवरऑल इनका स्टार्टर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सामने जो आप जो बारकोड है उसको अगर देख पा रहे होंगे, तो वो बारकोड ना वो आपको इनका जो मेन कोर्स का जो मेन्यू है वो स्कैन करने के लिए दिया हुआ है। आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं, यहाँ का जो मेन्यू है मोबाइल में कुछ अलग तरीके से है। और ये जो डिप्स दिख रहा है सामने, मैं बता दूँ ये है ग्रीन चटनी और ये लहसुन चटनी, गार्लिक वाली चटनी हो गई, और एक ये हो गए टमाटो केचप। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। इनकी प्राइसिंग कॉस्टिंग वगैरह मैं बता देता हूँ आपको, इनका जो प्राइसिंग है वो 680 रुपीज़ है विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी 714 रुपीज़ है। और बाकी मेन कोर्स का जो बुफे है ना, इन लोग आज नहीं लगा रहे हैं, तो मेन कोर्स बोले कि हमको सर हम आपको सर्व कर देंगे, तो मैं बोला ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन कोर्स में इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, पर चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका मेन कोर्स का जो बुफे है वो कहाँ पे लगता है। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं बुफे काउंटर की तरफ, दिखा देता हूँ। और ये देख लीजिए भैया एम्बियंस इनका, मतलब जितने बार देखो उतना कम लगता है। और ये देख लीजिए ये इनका बुफे एरिया है, यहीं पे बुफे लगता है और बहुत सारी वैरायटीज रहती है। आज बुफे इन्होंने इसलिए नहीं लगाया, शायद आज लोग कम है, वरना इन लोग बुफे ज़रूर लगाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे इनके सलाद्स वगैरह लगते हैं, पूरा सजे हुए रहते हैं अच्छे से, और यहाँ पे सूप वगैरह भी रहते हैं। और ये नीचे देख लीजिए कटलेरीज प्लेट वगैरह सब रखे हुए हैं, मतलब आज भीड़ नहीं है करके इन्होंने नहीं लगाया, वरना हमेशा लगाते हैं। और ये देख लीजिए इनका किचन, मतलब कोई भी आएगा यहाँ से किचन बिना देखे लौट के नहीं जाएगा। मैं पर्सनली किचन अंदर रिव्यू करने गया था, कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैं नहीं लेके गया। मैं बाहर से आप लोगों को जो जो लग रहा सब दिखा सकता हूँ। इतना साफ़ सुथरा इनका किचन, इतना क्लीनलीनेस मेंटेन किए इन्होंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और कोई भी आएगा उनको ये देखना ही चाहिए कि वो जो खाना खा रहे हैं वो कैसा बनता है। और ये इनका जो रिसेप्शन एरिया हो गया जहाँ पे बिलिंग वगैरह होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टेबल की तरफ। इनका 2x2 का सीटिंग प्लान है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अरे देख लीजिए यहाँ पे उनके जो तंदूर के आइटम से कैसे बेक किए जाते हैं, कितना प्यारा तरीके से हम लोग कुक कर रहे हैं, कितने साफ सफाई से यहाँ पे, यही देख के बड़ी खुश हो गए। चलिए देख लीजिए ये मेन कोर्स में हमारा पहला आइटम हमको सर्व हो चुका है, ये शेजवान चिकन गार्लिक कुछ नाम से बताया है इन्होंने हमें। और चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या आता है। ठीक है नॉर्मली है, मैं इसको एज ए ग्रेवी के फॉर्म में लिया है, चिकन चिल्ली है, चिकन चिल्ली है, मैं इसको ग्रेवी के फॉर्म में डाल दिया है और बोल रहा हूँ कि शेजवान चिकन चिल्ली है, शेजवान टाइप तक मैं बोल रहा हूँ। चलिए बाकी मेन कोर्स का आइटम आ गया हमारे सामने, ये बिरयानी, ये ग्रीन सैलेड और ये कुछ दही वाला चिकन इस नाम से कुछ बताया, और ये रोटी। तो चलिए जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। बिरयानी को टेस्ट करके बता देते हैं आप लोगों को, सब बताएं तो खाने का एक नहीं है। आप यहाँ स्टार्टर खाइए, रिफिन कुछ चाहिए स्टार्टर, स्टार्टर में एकदम फाइव आता है, फाइव रेटिंग है उसका, और मेन कोर्स में फाइव में टू भी दे दूंगा, सही बता रहे हैं। मैं उनके मेन कोर्स के सब्जी में कोई ज़्यादा ऑप्शन है, और बिरयानी भी काफ़ी फीका सा लग रहा है, और सब्जी एक कैसे भी है, तो चलिए हम जो टूरिस्ट करना टूरिस्ट करके आपसे मिलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देख लीजिए ये हमारा डिनर के बाद आ चुका है डेजर्ट, और पेट में जगह ही नहीं बचा है भाई, इतने सारे खाने के बाद और इतना सारा डेजर्ट उसके बाद। ये देख लीजिए गुलाब जामुन, ये है कुल्फ़ी, ये इनका कुछ जेली टाइप का ड्रिंक है, और ये है पेस्ट्री, और ये इनका कुछ स्वीट है, और मेरे ख्याल से ये रस मलाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब इसको टेस्ट करके सारा चीज़ तो नहीं खा पाएंगे, बट जो नॉर्मली है
कॉमन है वो टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, पेस्ट्री, कुल्फी, ये सब कैजुअली है, तो जो इनका जो स्वीट है ना, मैं ये टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। अलग ही टाइप का स्वीट है, आप स्वीट ले रहे थे उसमें मार्शमेलो वगैरह होता है ना, ये वो है, उसके अंदर कुछ क्रीमी ले रहता है। चलिए हमारा डिनर भी अब हो गया है फिनिश, और ये देख लीजिए आफ्टर डिनर हमको ये फीडबैक कार्ड मिला है रेस्टोरेंट का, तो इसमें देख लीजिए क्वालिटी ऑफ फूड, क्लीनलीनेस ऑफ द रेस्टोरेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सारी चीज़ें दिए हुए गए हैं इसमें, तो आप लोग इसमें अपने हिसाब से फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए मैं अपने हिसाब से इसको फीडबैक दे देता हूँ, और ये आ गया इनका फाइनली बिल, आप बिल देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 680 रुपीज़ प्लस GST, दो लोगों का था तो हमको पड़ा GST के साथ 1428, मतलब 714 रुपीज़ पर पर्सन विद GST। दिखाने के लिए बिल में कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका था, ये बस आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रूफ है। तो चलिए अब चलते हैं, खाना हो गया फिनिश, अब देखते हैं क्या है लास्ट में इनका। और ये देख लीजिए जो इनका बिल देने का तरीका है बहुत ही अलग है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ नॉर्मली जो रेस्टोरेंट में होता है ना, वो कार्ड के अंदर में ऐसे फ्लिप करके दे देते हैं, बट ये इन्होंने कुछ अलग ही कल्चर अपनाने का कोशिश किया है। नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में ना चावल और गेहूँ निकालने के काम आते हैं। चलिए अच्छा है, अच्छा लगा बहुत मेरे को ये। चलिए फाइनली हमारा डिनर फिनिश कर लिया है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया इनका स्टार्टर था वो वाकई में बहुत अच्छा था, काबिल तारीफ था, उसमें 5/5 रेटिंग दे सकते हैं हम तो। जो मेन कोर्स था, मैं वाकई में मेन कोर्स बहुत, मतलब बुरा नहीं बोलूंगा, वाकई में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, खाने को बुरा नहीं बोलना चाहिए बट वाकई में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब बिरयानी था ऑप्शन में, मेन कोर्स में बस ज्यादा कुछ था नहीं, चिकन का एक ही आइटम था मेन कोर्स में, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बिरयानी भी एकदम फीका फीका सा था, कुछ भी एकदम खास था नहीं, बट जो इनका डगर था वो बहुत अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग और दोनों बहुत अच्छा था। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं घर, तो चलिए अब खाने और डिनर के साथ साथ हम वीडियो को भी यही करते हैं। तो चलिए होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं वो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाएगा इस फैमिली का हिस्सा। तो चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।